बात देखो, एनपीओ क्या होता है समझते हैं, मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, दिक्कत नहीं, स्क्रीन को मॉनिटर पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ या एनजीओ, ठीक है। सर पहला क्या है, एनपीओ को क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मोटो क्या है, इनको बनाने का पर्पस है कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक या उनके मेंबर, नॉट विद द अर्निंग ऑफ, इनका मोटिव प्रॉफिट, इनका मोटिव क्या है, वेलफेयर। ये घर जाकर लिखना आपने सारी बातें, क्लास का मोटो मैक्सिमम आप यहां से गेन करके जाओ, रिटन मैटर कहां करेंगे, यहां क्वेश्चन कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपको, ठीक। आगे चलो, आगे चलो। सर एग्जांपल क्या होते हैं, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटी, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर या सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या क्लब या ऑर्फिनेज। क्लियर यहां तक? चलो आगे, आगे चलो। सर अगला क्या, इनको पैसा कहां से मिलता है, इनका पैसा बच्चे कहां से आता है, लोगों को डोनेशन देते हैं, कुछ लोग इनके मेंबर होते हैं, मेंबर इनको सब्सक्रिप्शन, मेंबर कहते हैं इनको सब्सक्रिप्शन देते हैं, इनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट से मिलती है ग्रांट, गवर्नमेंट से क्या मिलती है, हम लोग देंगे डोनेशन, गवर्नमेंट देगी तो क्या बोलेगी गवर्नमेंट, ग्रांट। तो जितने भी बड़े बड़े स्कूल है, मैं आपको बताऊं जितने बड़े बड़े स्कूल है, उन सब स्कूलों को जो लैंड मिलती है, लैंड जमीन, वो कहां से मिलती है, गवर्नमेंट से, बहुत सस्ती मिलती है। अगर मान लो एक जमीन 2 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की, गवर्नमेंट देगी 1 लाख रुपए की, क्यों, क्योंकि लोगों को क्या क्या कर रहे हैं बच्चे, वो वेलफेयर कर रहे हैं, बिकॉज देखो आपसे फीस तो चार्ज करते हैं वो, लेकिन कुछ बच्चों से फीस चार्ज नहीं भी करते, बहुत कम चार्ज करते हैं, जो लोग ईडब्ल्यूएस कोटा, ये होता है ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपकी क्लास में बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फीस होगी नहीं, क्या बहुत कम हो, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, वो गवर्नमेंट उनको कहती है कि हम आपको लैंड फ्री देंगे, लेकिन आप इन बच्चों को कैसे पढ़ाओ, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इनको फ्री पढ़ाओ या बहुत कम फीस में पढ़ा बच्चों को, क्लियर है, बिकॉज सब कौन है, एनजीओ, सब कौन है वो, एनजीओ। आगे चलो, सर ये कहता है इनको पैसा कहाँ से मिलता है, डोनेशन मिलती है बच्चे, ग्रांट मिलती है, या उनको पैसे लोन ले लेंगे बैंक से जाके, सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है, कोई मेंबर बना इनका तो मेंबर हर महीने इनको देगा सब्सक्रिप्शन, क्या देगा, सब्सक्रिप्शन, या मेंबरशिप फी या एंट्रेंस फी, इन सब बातों को पढ़ाऊंगा डिटेल में। डोनेशन पूरा एक टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन पूरा एक टॉपिक आएंगे, फिलहाल अभी क्या पढ़ा रहा हूं, इनको पैसा कहां से मिलता है, क्या इनका इनकम का सोर्स है, क्लियर। चलो आगे चले, अगली बच्चे बात, इनके करेक्टर क्या, पहला क्या, एंटिटी, बेटे सेपरेट एंटिटी, जैसे बीइंग ह्यूमन, चलाता कौन है, सलमान का, लेकिन वो क्या, बीइंग ह्यूमन क्या है, अलग है, जैसे आपका स्कूल का जो भी नाम है, लेकिन स्कूल की सोसाइटी क्या होगी, आपकी अलग सोसाइटी का नाम होता है, अलग सोसाइटी होती है, तो अलग है। इनका पर्पस बताया, पर्पस बच्चे क्या है, वेलफेयर। इसके मालिक जो होते हैं, जो चलाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रस्टी, उनको क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। ऑनरशिप एक चैरिटेबल सोसाइटी होती है या ट्रस्ट होता है, उनको बोलते हैं ट्रस्टी। अगला, इनका मोटिव प्रॉफिट है कि नहीं है, सर नहीं है, मोटिव क्या है इनका बच्चे, वेलफेयर, बहुत बढ़िया। आगे चलो, इनकी मैनेजमेंट चलाने में लोगों को क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टी, मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टी। इनको पैसा कैसे मिलता है बच्चे, डोनेशन मिलती है, मेंबरशिप फी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इनके अकाउंट्स में क्या क्या आता है, अकाउंट्स में क्या क्या आता है बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके बाद कौन आएगा, इनकम एंड, और थर्ड नंबर पे क्या बताया बच्चे, बैलेंस शीट। क्लियर है यहां तक? फिर आगे चलो, आगे आ जाओ, एनपीओ के अकाउंट्स में क्या क्या बनता है, पहली चीज क्या बनती है, रिसिप्ट पेमेंट, दूसरी क्या बनती है, थर्ड क्या बनती है, यहां तक पहले पूरा पढ़ के आओ, जितना बताया मैंने पूरा पढ़ो, फिर मैं आगे लेके जाऊंगा, प्लीज टेक योर टाइम। यहां तक लेक्चर 1 मेरा क्या हो चुका है, अब लेक्चर 2 स्टार्ट हुआ। मैं आपको एक अलग लेक्चर और दूंगा जिसमें आपको पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप बुक में क्या है, कंपनी की बुक में क्या क्या कंटेंट, उसको भी एलिब्रेट करूंगा, एक अलग लेक्चर कभी आपको और दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसको यहां तक पढ़वा बच्चे, अच्छा हर चैप्टर की आपको पीपीटी मिलेगी, हर चैप्टर की सब बन के तैयार हो चुकी है मेरी, हमने लास्ट ईयर ही बनाई थी कोविड के, जब कोविड का टाइम आया था तो बहुत सारा मैं एफर्ट से सब चेंजेस जो करने पड़े कोविड के कारण, अदरवाइज तब क्या होता था, हम क्लासरूम में बोर्ड होता था, यहाँ बैठ के लिख रहे होते थे, सामने बुक, अपना बुक कहना कुछ नहीं, हम क्या करें, तो सब चीजों को हमने किसमें कन्वर्ट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गए, ये सब पीपीटी सब कब बनी है मेरी, इस साल ही मैंने बनाई है पूरी की पूरी। स्क्रीन विजुअल है, तुम्हें दिक्कत हो किसी को, विजुअल सबको है ना बच्चे, पूरा है, ठीक है, जब प्रोजेक्टर आ जाएगा तो और मजा आएगा पढ़ने का आप लोगों को, क्लास में पूरा बिल्कुल अंधेरे टाइप की क्लास होगी और बहुत और एंजॉय, जब इस चीज को पीपीटी के फॉर्म में पढ़ोगे तो और ज्यादा पढ़ने का मजा आएगा आप लोगों को। उस पर काम चल रहा है, उम्मीद है कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक उस पर मैं काम कर लूंगा, तो उस पर और हम एडवांस चीजों से पढ़ेंगे। बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होती है, एक तरीके की मेंबरशिप फी होती है बच्चे,
जैसे आप मान लो आपने घर में वो नेटफ्लिक्स का प्लान लिया, जब प्लान लोगे हर महीने बच्चे क्या पे करोगे उनको, सब्सक्रिप्शन पे करोगे। ऐसे किसी क्लब से जुड़ते हो या किसी सोसाइटी से जुड़ोगे आप, तो उनको हर महीने बच्चे क्या पे करोगे, मेंबरशिप फी हर महीने पे करो, उसको क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जो मंथली होती है। कैसे होती है बच्चे, मंथली या क्वार्टरली, मंथली या क्वार्टरली, ठीक है। मेंबरशिप फी एक ही बार दोगे, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन क्या दोगे रेगुलर, ये कैसे पे करते हैं पीरियोडिक पेमेंट, कैसे पेमेंट होते हैं बच्चे पीरियोडिक। अभी टॉपिक क्या सब्सक्रिप्शन पूरा बच्चे, कम से कम 20 क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, अभी दिखाऊंगा बुक आपको दिखाऊंगा, अभी पूरा टॉपिक ही सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। अभी लोग नोट्स पर दिखाता हूं, देखो आगे सब्सक्रिप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, देखो सी दिस, तो आप देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन पर क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डोनेशन दिख रहा है, टॉपिक अलग से, ठीक है ना। ऐसे देखो अभी आपको सब टॉपिक अलग अलग, आगे धीरे टॉपिक बनते जाएंगे हमारे। 10th पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा देखो, क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन टॉपिक क्या पूरे का पूरा हमारा, ये पूरा सब्सक्रिप्शन चल रहा है, ठीक है। तो भी सारी बातें आई धीरे धीरे आई, अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहा हूँ, इनको पैसा कहाँ से मिलता है, क्या इनकी इनकम का सोर्स है, दैट्स ऑल। बच्चे यहाँ तक पढ़ो तो मुझे बताना, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। कोई वर्ड समझ नहीं आया, कोई डाउट हो कोऑर्डिनेट करो मुझसे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जिंदो, किसी पॉइंट में डाउट आपको बच्चे, क्लियर हो रहा है, ये नोटिंग करनी है घर जाके पूरी, कोई वर्ड समझ नहीं आया यू कैन कोऑर्डिनेट। शुरू करें बच्चे, डाउट पे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आप ध्यान से आप स्क्रीन को देखेंगे, देखेंगे बच्चे। देखो फाइनल अकाउंट में क्या बनाना है हमको, रिसिप्ट सबसे पहले क्या बनता है, रिसिप्ट एंड सेकंड नंबर पे क्या बनेगा, थर्ड नंबर पे क्या बनेगा, सबसे पहले सीखना है हमने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो, सबको आप सबको आता है, हमने क्लास 11 से बनाया हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ नाम क्या था वहाँ पे उसका, कैश बुक, तो इट इज जस्ट लाइक अ इट इज जस्ट लाइक अरे कैश बुक की तरह, ठीक है। डेबिट साइड को यहाँ लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, रिसिप्ट, मुझे बीच में क्या आएगा अमाउंट, मुझे फिर क्या आएगा पेमेंट्स, मुझे फिर क्या आएगा अमाउंट, ठीक है। रिसिप्ट अमाउंट क्लियर, कैश बुक में सबसे पहले डेबिट साइड पे कैपिटल बैलेंस बीडी कैश का और बैंक का, पहले क्या लिखेंगे तो बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, बीडी का मतलब अच्छे क्या होता है ओपनिंग बैलेंस और व्हाट कैश और क्या आएगा बैंक, बीडी आ गया, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। बीडी के बाद, बीडी के बाद बिल्कुल एंड में, एंड बिल्कुल एंड में आ जाओ, बिल्कुल एंड में आ जाओ, बीडी हो गया ओपनिंग बैलेंस, एंड में कौन सा बैलेंस आएगा बताओ, बाय बैलेंस कैश का और बैंक का,
दोनों वाले कोई दिक्कत। सर अगर बैंक का ओडी होगा तो ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओडी क्या होता है? मतलब बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा ले रखा है, होता है लोन। क्या होता है हमारा लोन? होता है लायबिलिटी। लोन क्या होती है? लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। एसेट का डेबिट, लायबिलिटी का। तो सर क्या होगा यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस यहाँ कब आएगा? इनकेस ऑफ बैंक बच्चे क्या? ओडी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओडी है तो सीडी, ओडी का सीडी कहाँ आएगा? तो बैलेंस सीडी ये कब आएगा बच्चे? इनकेस ऑफ बैंक ओडी। क्लियर? तो जनरली बीडी डेबिट में, सीडी क्रेडिट में आएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब लोन लिया हुआ है मतलब लायबिलिटी है, तो बीडी आएगा बेटे क्रेडिट में, सीडी कहाँ आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट? जितना पैसा बच्चे आ रहा है, रिसिप्ट कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। जितना पैसा जा रहा है बच्चे, वो सारा कहाँ कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। ऑल रिसिप्ट, कैसी रिसिप्ट है? ऑल रिसिप्ट। यहाँ क्या है? ऑल पेमेंट, ऑल रिसिप्ट। सो ऑल रिसिप्ट का मतलब, रिसिप्ट दो तरीके की होती है बच्चे। एक होती है, आपको याद होगा बच्चे, बताओ कौन सी रिसिप्ट होती है? रिवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी कौन सी होती है? बोलो कैपिटल रिसिप्ट। ऑल रिसिप्ट एंड रिलेट टू एनी पीरियड। कोई मान लो इस साल मेरे पास 10 लाख रुपए आए, जिसमें तीन लाख रुपए अगले साल क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल आ गया, अगले ईयर का पैसा इस साल आ गया, रिसीव मैंने अब किया ना, तो रिसिप्ट पेमेंट में डेबिट साइड। तो ऑल रिसिप्ट कोई भी हो और किसी भी पीरियड की हो, वो रिसिप्ट पेमेंट के कहां पर आएगी भाई? डेबिट साइड। क्लास 11th में याद होगा आपने पढ़ा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल। कैश बेसिस क्या कहता है? जितना पैसा आ रहा है आने दो, जितना पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर दो, अकॉर्डिंग टू कौन से बेसिस? कैश बेसिस। तो जब भी आप रिसिप्ट पेमेंट बनाओगे, वो कौन से बेसिस को फॉलो करता है? कैश। किसको फॉलो करता है? तो जितना पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट पेमेंट की किस साइड पर आ जाएगा भाई? क्या वो पैसा किसी भी पीरियड का हो, मान लो आपने अगले साल की फीस मुझे आज दे दी, तो पैसा कब आ रहा है? अभी आ रहा है। रिसिप्ट पेमेंट के कहां आ जाएगा भैया? क्लियर? ऑल पेमेंट, कोई भी पेमेंट, चाहे आज की पेमेंट हो, चाहे लास्ट ईयर की पेमेंट अब कर रहा हूं, या कमिंग ईयर की कर रहा हूं, कोई भी पेमेंट कर रहा हूं, कहां आएगी? पेमेंट किस साइड पर आएगी बच्चे? तो ऑल पेमेंट क्या लिखा? ऑल पेमेंट क्या लिखू? रिलेट टू एनी ऑल पेमेंट का मतलब कौन कौन सी पेमेंट हो गई? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा बच्चे क्या होगा बताओ? एंड बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस इतना, दोबारा से रिपीट करूंगा एक बार। हम क्या बना, दोबारा से आप किया, हम तो बना कह रहे हैं, हम लोग क्या बना? रिसिप्ट एंड ये किसकी तरह होता है? जस्ट लाइक अ कैश बुक। ये कौन से बेसिस को फॉलो करता है? पढ़ो क्या लिखा है मैंने, कौन से बेसिस को फॉलो करता है? बेसिस। ये कौन से बेसिस को फॉलो करता है? हां जी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टार्टिंग कैसे, बिगिन कहां से होगा? तो बिगिन कहां से होगा, स्टार्टिंग कैसे होगा? सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर? बैलेंस, बोलो कैश का। और एंड में क्या आता है बच्चे? कैश का। और अगर बैंक का ओडी है तो कहाँ आएगा? बीडी। अगर बैंक ओडी है तो बैंक का सीडी कहाँ आएगा? क्लियर? जितनी रिसिप्ट है सारी कहाँ रिसिप्ट आएगी? कौन कौन सी रिसिप्ट है? रिवेन्यू। और कौन कौन से पेमेंट है? और रिलेट टू एनी पीरियड। यहाँ तक की नोटिंग करो, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नोटिंग कर लो प्लीज फटाफट। हाँ, इसको नोट करना है आपने फिलहाल अभी के लिए। और नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। मैं इसको भी देता हूँ आपको प्रिंट करके।